सुशांत सिंह राजपूत की र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर लग रहे हैं सुशांत के गुनहगार और कातिल होने के आरोप। जहां पर हाल ही में सुशांत के पिता ने गंभीर आरोप लगाए रिया चक्रवर्ती के साथ रिया के परिवार के 6 सदस्यों पर, और साथ ही उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती मिली हुई है और रिया चक्रवर्ती ने उनके बेटे को मेंटली टॉर्चर किया है, हरास किया है और इस हद तक मजबूर कर दिया कि सुशांत खुद फैसला ले ले इस दुनिया को छोड़ने का। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती जो धमकी देती थी सुशांत सिंह राजपूत को, रिया चक्रवर्ती जिसने सुशांत सिंह राजपूत की क्रेडिट कार्ड का किया इस्तेमाल, रिया चक्रवर्ती जिसने 15 करोड़ रुपए की हेरा फेरी, रिया चक्रवर्ती जिसने रात को 12:30 बजे ज्वेलरी चोरी कर सुशांत के घर से फरार हो गई 9 जून को। जी हाँ, 9 जून की रात रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ। सुशांत ने फैसला ले लिया था कि अब वो बॉलीवुड को छोड़ ऑर्गेनिक फार्म अपने खोलेंगे, लेकिन इस फैसले से रिया खुश नहीं थी, जिसके बाद रिया और सुशांत के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ। रिया ने सुशांत का पूरा स्टाफ जो उसके घर पर काम करता था, नौकर से लेकर कुक तक, वो सब कुछ बदलवा दिए और इसी के साथ रिया चक्रवर्ती ने यहाँ पर सुशांत से झगड़ा किया। सुशांत के जितने भी प्रेस्क्रिप्शन थे डॉक्टर के या फिर उसके डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे उठाकर रिया चक्रवर्ती अपने साथ ले गई। इसी के साथ आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने ज्वेलरी, पैसे, डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट कार्ड सब कुछ उठाकर सुशांत के घर से चली गई थी सुशांत को धमकी देकर, जहां पर सुशांत सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। तो ये है पूरी सच्चाई, जहां पर सुशांत ने यही सब ठीक करने के लिए एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती को कॉल किया था और रिया चक्रवर्ती ने कॉल नहीं उठाया था। तो इस बात पर अब खुलासा हो रहा है कि 9 जून को जो झगड़ा हुआ था रिया चक्रवर्ती के बीच, उसके बाद ही सुशांत ने के साथ हादसा हुआ था, जहां पर सुशांत और रिया के बीच काफ़ी बड़ी फाइट भी हुई थी। नेक्स्ट एंड लाइव सुरजनी की रिपोर्ट।